वाइटेज में सबका वेलकम है। आज की कहानी है दो लड़कियों के बारे में जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे टावर जो कि धरती से 2000 मीटर ऊंचा है उस पर फंस चुकी है। धरती से 2000 मीटर की ऊंचाई पर इनके पास न खाने के लिए खाना है और न ही पीने के लिए पानी है। जिस बोतल में पानी है वो वाला बैग इनका नीचे गिर चुका है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी है फॉल मूवी की जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़ जाएं ऐसी ही नई कहानियों के लिए। कहानी की शुरुआत में हमें तीन लोगों को दिखाया जाता है जो कि पर्वत आरोही हैं। उनमें से दो लड़कियां हैं और एक लड़का है। सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये तीनों ही एक पहाड़ को क्लाइंब कर रहे हैं। एक लड़की का नाम बेका है और दूसरी का नाम हंटर है। उस लड़के का नाम डैन है। जो डैन है वो बेका का हस्बैंड है। डैन पहाड़ को क्लाइंब करते करते एक जगह पर पहुंचता है जहां पर एक पक्षी का घोंसला होता है। वो क्लिप लगाने के लिए अपने हाथ को जैसे ही अंदर डालता है पक्षी बाहर निकलता है जिससे डैन मिसबैलेंस होकर नीचे गिर जाता है। डैन पहाड़ से एक रस्सी के साथ लटकने लगता है। वो बेका से कहता है कि वो अपनी रस्सी को ढीली छोड़े ताकि वो स्विंग होकर दोबारा पहाड़ के पास जा सके। बेका उसके कहने पर उस रस्सी को छोड़ देती है लेकिन जैसे ही वो रस्सी को छोड़ती है जो पहाड़ में क्लिप होता है वो डैन के भार से टूट जाता है जिससे डैन की मृत्यु हो जाती है। कहानी अब कुछ टाइम बाद दिखाई जाती है जहां पर हम देखते हैं कि बेका काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुकी है। वो एक बार में जाती है और काफी ज्यादा ड्रिंक भी करती है। ड्रिंक करने के बाद जब वो बार से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि उसके डैड उसे लेने के लिए आए हैं। उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की जरूरत है लेकिन बेका उनकी कोई भी बात को नहीं सुनती और वहां से जाने लगती है। बेका के डैड उससे गाड़ी की चाबी ले लेते हैं लेकिन बेका उनकी बात को अनसुना करके पैदल ही जाने की कोशिश करती है। बेका किसी तरह से वापस अपने घर में पहुंच जाती है। वो वहां पर अल्कोहल की बोतल ढूंढती है और अपनी नींद वाली गोलियां लेने लगती है लेकिन तभी बेका के डोर बेल रिंग होती है। बेका डोर को ओपन करती है तो वो देखती है कि उसकी फ्रेंड हंटर उससे मिलने के लिए आई है। बेका को हंटर समझाने की कोशिश करती है कि उसे अब अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाना चाहिए लेकिन बेका डैन को नहीं भुला सकती। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वो अपने हस्बैंड को नहीं भूल सकती। हंटर उसे बताती है कि उसे अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। वो उसे बताती है कि हमें दुनिया के सबसे ऊंचे टावर जिसकी हाइट 2000 मीटर है उसकी चढ़ाई करनी चाहिए लेकिन बेका अपनी लाइफ में इतनी डिप्रेस हो चुकी है कि वो साफ साफ मना कर देती है कि वो दोबारा क्लाइंबिंग करने के लिए नहीं जाएगी। अगली सुबह जब हंटर बाथरूम में ब्रश कर रही थी तभी बेका उसके पास आती है और उससे कहती है कि चलो उस टावर की चढ़ाई की जाए। हंटर ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब ये दोनों लड़कियां अपने सफर पर निकल पड़ती हैं। जिस टावर की ये चढ़ाई करने वाली हैं, वो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है जिसका नाम B67 है। ये दोनों अब एक रेस्टोरेंट में पहुंचती हैं और वहां पर खाना खाती हैं। ये वेट्रेस से पूछती हैं कि B67 टावर कहां पर है। वेट्रेस खिड़की के पास इशारा करके कहती है कि वो सामने B67 टावर है। बेका जैसे ही उस टावर की हाइट को देखती है वो उसे देखकर चकरा जाती है लेकिन वो फिर हिम्मत करती है कि वो लोग इसकी चढ़ाई करेंगे। हंटर बेका से कहती है कि वो उसे एक ट्रिक बताएगी। वो पास ही रखे हुए टेबल लैंप के बल्ब को निकालकर अपना चार्जर बीच में फिट कर देती है। बेका ये देखकर हैरान हो जाती है कि उसका फोन अब चार्ज हो रहा है। हंटर उससे कहती है कि ये एक सर्वाइवल टिप है। अगली सुबह जब ये अपने सफर पर निकलने लगते हैं हंटर अपने यूट्यूब चैनल जो कि डेंजर डी नाम से चलाती है उसके लिए एक ब्लॉग बनाने लगती है। ब्लॉग बनाने के साथ साथ वो धीरे धीरे कार को भी चला रही थी। उनकी कार सड़क के पास पहुंच जाती है और तभी उनके सामने से एक ट्रक आ जाता है लेकिन बाल बाल उनकी जिंदगी बच जाती है। बेका इस सीन को देखकर काफी डर जाती है लेकिन हंटर उसे हौसला देती है। ये दोनों अब अपना आगे का सफर शुरू करते हैं। जैसे ही वो टावर के नजदीक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि टावर की जो बाउंड्री वाला गेट है वो लॉक है।
ये देखकर हंटर को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि हमें कम से कम 1 मील तक पैदल जाना पड़ेगा। ये दोनों लड़कियां अब उस टावर के पास पहुंच जाती हैं। बेका जैसे ही आसमान में उस टावर की हाइट को देखती है तो वो काफी ज्यादा अनकॉन्शियस हो जाती है। वो हंटर से कहती है कि वो इसकी चढ़ाई नहीं कर पाएगी। हंटर उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करती है कि वो पहले वाली बेका बन सकती है अगर वो इसकी चढ़ाई करेगी। बेका उसे मना कर देती है कि वो पहले वाली बेका नहीं बनना चाहती और इस टावर की चढ़ाई उससे नहीं हो पाएगी। लेकिन फिर भी हंटर उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करती है कि उसे इस टावर की चढ़ाई करनी पड़ेगी ताकि वो पहले से अपने डर से बाहर आ सके। टावर की हालत काफी ज्यादा खस्ता होती है, उसमें अब जंग लग चुका था। जो सीढ़ी टावर के ऊपर जाने के लिए लगी थी उस सीढ़ी के कई नट्स भी निकल चुके थे, लेकिन बेका हिम्मत करके अब हंटर के साथ उस चढ़ाई को शुरू कर देती है। धीरे धीरे ये दोनों लड़कियां उस टावर की चढ़ाई शुरू कर देती हैं। थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद बेका काफी ज्यादा डर जाती है। वो हंटर से कहती है कि हमें यहाँ पर कुछ देर रेस्ट करनी चाहिए। हंटर मान जाती। हंटर उसे पीने के लिए पानी भी देती है। ये दोनों पानी पीते हैं और कुछ देर रेस्ट करने के बाद अपनी बाकी चढ़ाई को शुरू कर देते हैं। टावर काफी ज्यादा पुराना था और उसमें जंग भी लगा हुआ था। इनकी चढ़ाई करने की वजह से टावर में वाइब्रेशन पैदा होती है, लेकिन ये दोनों अपना सफर जारी रखती हैं। एक जगह पर ये वहां पर पहुंचती है जहां पर टावर में एक बहुत बड़ा पोल होता है और उस पोल के बीच में एंटीनास लगे होते हैं, साथ ही उसमें एक लैडर लगी होती है ताकि उस टावर के टॉप पर जाया जा सके। हंटर बाहर निकलती है लेकिन बेका उस जगह पर जाने से मना कर देती है। हंटर उसे काफी ज्यादा मोटिवेट करती है जिसकी वजह से अब बेका भी बाहर आ जाती है। हंटर अब अपना आगे का सफर शुरू कर देती है और उस पोल के लैडर पर अपनी चढ़ाई शुरू कर देती है। बेका भी हिम्मत करके उसके पीछे पीछे जाने लगती है। हंटर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उस टावर में एंटीनास लगे हुए थे, लेकिन एंटीनास ठीक सीढ़ियों के बीच में थे इसलिए उन्हें घूमकर जाना पड़ता है। हंटर तो वहां से निकल जाती है लेकिन जब बेका वहां तक पहुंचती है तो वो हिम्मत नहीं कर पाती, लेकिन हंटर के कहने पर वो उस जगह से भी बाहर निकल आती है। हंटर अब टावर के टॉप पर पहुंच जाती है। बेका भी धीरे धीरे चढ़ रही थी। जब बेका लैडर पर चढ़ रही थी तो जो लैडर के नट्स हैं वो नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। किसी तरह से बेका भी टावर के ऊपर पहुंच जाती है। ये दोनों अब टावर के ऊपर पहुंच जाती हैं। टावर के ऊपर चढ़ने के बाद ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती हैं। ये सेल्फीज लेती हैं। हंटर टावर के नीचे लटक कर अपना ड्रोन से एक शूट भी करवाती है। अब हंटर ऊपर आती है और बेका को कहती है कि अब वो नीचे लटके, लेकिन बेका साफ साफ मना करती है, लेकिन हंटर उसे काफी ज्यादा फोर्स करती है, जिसके बाद बेका भी नीचे लटकती है और वो एक सेल्फी लेती है। बेका यहाँ पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो अपने हस्बैंड की कुछ रेत लाई होती है और वो वहाँ टावर के ऊपर से उसे फेंक देती है। हंटर भी उसे देखकर रोने लगती है। अब कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ये दोनों अब नीचे उतरने का फैसला करती हैं। बेका सबसे पहले नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही बेका नीचे उतरती है सीढ़ी नीचे गिर जाती है। बेका बीच हवा में रस्सी के सहारे लटक जाती है। जो रस्सी का दूसरा छोर होता है वो हंटर के पास होता है। हंटर किसी तरह से वापस बेका को टावर के ऊपर खींच लेती है। अब ये दोनों लड़कियां धरती से 2000 मीटर के ऊंचे टावर पर फंस चुकी हैं। वो यहाँ से नीचे भी नहीं उतर सकती क्योंकि लैडर नीचे गिर चुकी है। वो अपना फोन निकालकर सिग्नल देखने की कोशिश करती है, लेकिन इतनी ऊंचाई पर वहाँ पर सिग्नल भी नहीं होता। हंटर को अब एक आइडिया आता है। वो कहती है कि मेरे इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन फॉलोअर हैं। वो एक पोस्ट लिखती है और फोन को रस्सी के माध्यम से नीचे लटका देती है ताकि फोन सिग्नल में जाए और वो पोस्ट ऑनलाइन हो जाए। लेकिन काफी देर तक फोन को लटकाने के बाद जैसे ही वो फोन को ऊपर खींचती है तो वो देखती है कि उनकी पोस्ट अभी तक ऑनलाइन नहीं हुई, और ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। ये दोनों लड़कियां अब एक ट्रिक लगाती हैं। ये एक पोस्ट लिखती हैं
और अपना सूज खोलकर फोन को उसमें डालकर नीचे फेंक देती है और अब वेट करती है कि वो पोस्ट ऑनलाइन हो जाए और इन्हें रेस्क्यू करने के लिए कोई यहाँ पर आए। ये दोनों अब प्यासी भी हैं और इन्हें भूख भी लगी है। ये काफी वेट भी करती हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। टावर के टॉप पर एक बहुत बड़ा पोल होता है जिसकी हाइट लगभग 30 मीटर है। उसके ऊपर एक लाइट लगी हुई थी। उस पोल के बॉटम में एक डिब्बा होता है जिसमें उन्हें एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिलती है। दूरबीन की मदद से ये आसपास देखते हैं। साथ ही इन्हें एक कैंपर वैन दिखाई देती है जिसमें इन्हें दो लोग दिखते हैं। यह उन्हें काफी आवाज भी लगाती हैं, लेकिन यह काफी हाइट पर होती हैं, जिसकी वजह से इनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती। अब नीचे इन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। यह नीचे देखती हैं तो एक इन्हें व्यक्ति दिखता है जो कि फोन पर बात कर रहा था। उसके साथ एक कुत्ता भी था। यह ऊपर से उसे काफी आवाजें भी लगाती हैं, लेकिन काफी हाइट होने की वजह से इनकी आवाज उस व्यक्ति तक नहीं पहुंचती। यह अपने सूज भी खोलकर नीचे फेंकती हैं, लेकिन उस व्यक्ति का ध्यान उस तरफ नहीं जाता क्योंकि वो फोन पर बात कर रहा था। उनका सूज जैसे ही नीचे गिरता है, डॉगी उस सूज के पास जाता है और अपने मालिक को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फोन पर व्यस्त था और वो दोनों यहाँ से अब चले जाते हैं। ये दोनों काफी चिल्लाते भी हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं सुनाई देती। अब रात होने लगती है, वो कैंपर वाले लोग निकलने लगते हैं। यह अपनी फ्लेयर गन चलाती है जिससे उन कैंपर वैन वाले लोगों का ध्यान इनकी तरफ जाता है। यह दोनों अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाकर भी उन्हें सिग्नल देती है। वो दोनों व्यक्ति अपने कैंपर वैन में सवार होकर इनकी तरफ बढ़ते हैं। वो जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि गेट बंद है, लेकिन ये दोनों व्यक्ति उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि उनकी कार चुराकर वहां से चले जाते हैं। अब ये दोनों काफी निराश हो जाती हैं क्योंकि ये धरती से 2000 मीटर की ऊंचाई पर है जहां इनके पास ना तो पीने के लिए पानी है ना तो खाने के लिए खाना है। अगले दिन जब सुबह होती है तो बेकी को काफी ज्यादा प्यास लगी होती है। वो हंटर से कहती है कि उसे प्यास लगी है। अब हंटर थोड़ी हिम्मत करती है और वो कहती है कि वो रस्सी के माध्यम से नीचे जाएगी। वो अपनी कमर में रस्सी बांधकर अब धीरे धीरे नीचे जाने लगती है। जब वो लास्ट एंड पर पहुंचती है तो रस्सी छोटी पड़ जाती है, लेकिन हंटर काफी हिम्मत दिखाकर अपनी हुक को खोलती है और नीचे उस एंटीना पर छलांग लगा देती है। हंटर बैग में से बोतल को निकालती है और पानी पीती है। अब वो ऊपर जाने के लिए बैग को पीठ पर लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रस्सी उससे काफी ज्यादा दूर होती है। वो रस्सी को पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन नहीं पकड़ पाती। किसी तरह से हंटर रस्सी को पकड़ लेती है और अब बैग की रस्सी को धीरे धीरे ऊपर खींच रही थी। हंटर ऊपर पहुंचने ही वाली होती है कि बेकी के हाथ से रस्सी छूट जाती है और हंटर नीचे पहुंच जाती है। बेकी अब हिम्मत करके नीचे देखती है तो वो देखती है कि हंटर रस्सी के साथ लटकी हुई है, लेकिन नीचे तेजी से जाने की वजह से उसके हाथ जल चुके थे। हंटर अब बेकी से कहती है कि उसे ही अब ऊपर खींचना पड़ेगा। बेकी काफी ज्यादा जोर लगाती है और किसी तरह से हंटर को ऊपर खींच लेती है। वो बैग में से पानी निकाल कर पीती है। इसके बाद बेकी काफी ज्यादा रिलीफ महसूस करती है। बेकी बैग में से एक कागज का टुकड़ा और आईलाइनर निकालती है। वो उस कागज के टुकड़े पर हेल्प अस वी आर ऑन B67 टावर लिखती है। उस कागज के टुकड़े को वो ड्रोन पर रखते हैं और ड्रोन को उस सामने वाले रेस्टोरेंट की तरफ उड़ा देते हैं, लेकिन ड्रोन जैसे ही रेस्टोरेंट के पास पहुंचने ही वाला होता है तो उन्हें सिग्नल आता है कि उसकी बैटरी खत्म होने वाली है। वो ड्रोन को वापस अपने पास बुला लेते हैं। स्टार्टिंग में हंटर ने जो बेकी को ट्रिक बताई थी कि कैसे बल्ब को निकालकर लैंप से चार्ज कर सकते हैं, हंटर उसे उसी ट्रिक का इस्तेमाल करने के लिए कहती है। बेकी अब हिम्मत करके उस 30 मीटर के पोल पर चढ़ने लगती है। वो किसी तरह से उस पोल पर चढ़ जाती है और बल्ब को निकालकर ड्रोन को चार्ज करने लगती है। बेकी उस पोल पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी तभी उस पर गिद्ध हमला कर देते हैं। वो बार बार उस पर हमला करते हैं, लेकिन किसी तरह से वो ड्रोन को चार्ज कर नीचे आ जाती है। अब बेकी उस कागज के टुकड़े को ड्रोन पर लगाती है और ड्रोन को उस रेस्टोरेंट की तरफ उड़ा देती है, लेकिन जैसे ही ड्रोन रेस्टोरेंट के पास पहुंचने ही वाला होता है, एक ट्रक से उसकी टक्कर हो जाती है और ड्रोन वहीं पर गिर जाता है। अब ये दोनों काफी निराश हो जाती हैं, इनकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर रात हो जाती है। बेकी अपने फोन में अपनी पुरानी वीडियो देख रही थी जिसमें वो देखती है कि कैसे उसके हस्बैंड और वो डांस कर रहे थे।
तभी वो नोटिस करती है कि हंटर उन्हें जेलस भरी नजरों से देख रही थी। और स्टार्टिंग में जब हंटर ने अपना सूज उतारा था तो वो उस टैटू को भी देख लेती है, जिससे उसे कुछ कुछ समझ में आ रहा था। अब हंटर उसे सारी बात बताती है कि वो भी डैन को पसंद करती थी और वो एक साथ एक रात को सोए भी थे। ये सुनकर बेकी काफी ज्यादा टूट जाती है। हंटर अब उसे बताती है कि वो तो कब की मर चुकी थी, जब वो पानी की बोतल लेने के लिए नीचे गई थी और तुम्हारे हाथ से रस्सी छूट गई थी, तब मैं नीचे गिरकर मर गई थी। और जैसे ही वो हंटर के तरफ देखती है तो उसका मुंह पूरी तरह से खून से रंगा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो सुबह होती है तो वो देखती है कि हंटर की बॉडी नीचे गिरी हुई है और उसे गिद्ध खा रहे हैं। अब बेकी को कुछ भी समझ नहीं आता, वो पूरी तरह से निराश हो जाती है। तभी वो सो रही थी और गिद्ध उस पर हमला कर देता है, लेकिन बेकी हिम्मत नहीं हारती। वो इस गिद्ध को पकड़ लेती है और उसी को खा लेती है। गिद्ध को खाने के बाद अब बेकी में कुछ हिम्मत आ जाती है। वो अब नीचे जाने का फैसला करती है। वो बैग को पीठ में लगाकर रस्सी के माध्यम से नीचे आती है। वो जैसे ही नीचे आती है तो वो देखती है कि हंटर की बॉडी को गिद्ध नोच रहे थे। वो उन गिद्धों को वहां से भगा देती है। बेकी हंटर से कहती है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बेकी अपना फोन निकालती है और उसमें एक पोस्ट लिखती है, और जो हंटर के पैर में सूज होता है वो उसे निकालती है और अपने फोन को उस सूज में डाल देती है। फिर वो उस सूज को हंटर के पेट में डाल देती है और उसकी बॉडी को नीचे धक्का दे देती है। अब हमें बेकी के डैड को दिखाया जाता है। वो बड़ी तेजी से B-67 टावर की तरफ जा रहे थे, जहां हम देखते हैं कि पुलिस और रेस्क्यू टीम पहले से पहुंच चुकी है। और हमें दिखाया जाता है कि बेकी को अब रेस्क्यू कर लिया गया है, और इस तरह से बेकी की जान भी बच जाती है। यहां पर हम देखते हैं कि कैसे दो लड़कियां एक टावर पर फंस गईं। शायद वो उस टावर में फंसती नहीं अगर बेकी अपने पिता को पहले से इन्फॉर्म कर देती कि वो कहां पर जा रही है। तो इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो हम लोग कैसे ऊपर उठेंगे।